नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मुस्लिम रिएक्शन ऑन पीएम मोदी, और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। मुस्लिम आज क्या रखते हैं मोदी के लिए अपना नजरिया, मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जब बात करते हैं, तो कई विरोधी खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हैं। कई ऐसी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं इस देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई उनको सुविधाओं को लेकर धन्यवाद देना चाहती, और ऐसी तस्वीर आज दक्षिण मुंबई के कलेक्टर ऑफिस के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं शुक्रिया मोदी जी का वो लेटर देने के लिए, जिसके जरिए वो अपना आभार जताना चाहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ट्रिपल तलाक से लेकर दूसरी जो सभी सुविधाएं दी गई हैं और उसका लाभ अल्पसंख्यक महिलाओं को मिल रहा है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की औरतों को, उसका धन्यवाद देने के लिए ये महिलाएं आए हैं। और इन लोगों के हाथों में जो तस्वीर है, जो कार्ड है, उसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या भावनाएं हैं और ये क्या मैसेज देने के लिए आए हैं। लगातार आपको बता दें, नरेंद्र मोदी हर मंच से ये बात कहते हैं कि जो ट्रिपल तलाक का अभिशाप था, जिसको लेकर मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी, उसको खत्म करने का काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी हमें वोट देंगी, इस बात का विश्वास जताते हुए उन्होंने कई बार अपने भाषणों में इसका उल्लेख भी किया है। महिलाएं जो यहां पर पहुंची हुई हैं उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट शबनम इनामदार। शबनम जी, आपके हाथ में ये जो पोस्ट कार्ड है, काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है, किस वजह से आप यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आई हैं, क्या मैसेज देने के लिए आई हैं? हम हमारे सरकार मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम महिलाओं के लिए, बहनों की हित के बारे में सोचा है और हमारे देश के हित के बारे में भी सोचा, इसीलिए हम उनको शुक्रिया प्रदान करना चाहते हैं। उनसे डायरेक्ट मिलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एक पत्र द्वारा उनको कलेक्टर ऑफिस मुंबई, वहाँ से हम उनको शुक्रिया प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्कीम हम सबको सपोर्ट के लिए और उन्होंने प्रदान किया है। ट्रिपल तलाक का लेकर जो है सबसे ज्यादा सवाल हमेशा से उठाया जाता था, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा इस बात को लेकर प्रताड़ित होती थी। ये जो प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी है, उसको आप कितना बड़ा स्टेप मानती हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं? ये प्राइम स्टेप मानती हूँ, ट्रिपल तलाक एबॉलिश हुआ है, जिसके लिए महिला अब बहुत सेफ है और बहुत सारे महिलाओं का घर भी सेफ हो चुका है, इसीलिए मोदी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद करती है जिससे ट्रिपल तलाक एबॉलिश हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आई हुई हैं कलेक्टर ऑफिस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपके मन की क्या भावना? मेरे मन की भावना तो ये, सबसे पहले उन्हें सैल्यूट करना चाहती हूँ, उन्होंने जो लेडीज लोगों के लिए किया है, जैसे कि ट्रिपल तलाक हुआ, गैस चूल्हा हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें की हैं, और आज भी 24 घंटा वो सिर्फ हम महिलाओं के बारे में, हमारे इस देश के बारे में काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं वो सोते तक नहीं इस उम्र में, तो उन्हें तो मैं पहले सलूट करना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी, हर बहन हमारी जितनी भी है, सब बहनों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देती हूँ, और हमने जो आज लेटर दिया है इस माध्यम से उनके पास ये पहुँचाना चाहते हैं कि मोदी जी आप जो कर रहे हैं हम उस चीज़ बहुत खुश है, और हर बहनें हर महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, और दिल से दुआ देंगी कि हमारे भाई इसी तरीके से करते रहें, हर हमारी बहनें उनके साथ खड़ी हैं और उन्हें सल्यूट करती हैं, और मेरी सारी बहनों ने यह कहा है वो हकीकत है, कोई झूठ नहीं है, और हम तो कहेंगे और आगे वो करें, और हम उनके साथ है हमेशा रहेंगे, और भाइयों हमारे भाई को हम यही दुआ देंगे कि आप ऐसी तरक्की कीजिए, सैल्यूट है तुम्हें, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर, जब भी मुस्लिम समाज को लेकर बात आती है तो ओवैसी के तरह के जो मुस्लिम नेता हैं या दूसरी जो धर्म गुरु हैं, वो सवाल उनकी नीयत पर उठाते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में अलग है। आप आए हैं कलेक्टर ऑफिस, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या भावना?
देखिए बातें तो सब अपने मर्जी से कुछ भी करते रहे, लेकिन जो हकीकत है वो छुपती नहीं है, वो अपने आप को मनवा लेती है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इतने तादाद में यहाँ महिलाएं आई हैं और अपने बात अपनी आपके सामने रख रही हैं। आपने जिस तरह कहा कि कथनी और करनी, तो कथनी और करनी करनी इतनी हुई है कि आप देख सकते हैं महिला के दिल से एक दुआ निकल रही है अपने भाई की समान समझ करके। हम मोदी जी के लिए बात करते हैं जिन्होंने देश को विकास दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं कि सबका साथ सबका विकास, मैं अपनी ही एक शेर में कहती हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये हमारे मोदी जी ने कर दिखाया है, वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारा प्यार दिख रहा है ना, कि हमारी बहनें यहाँ सच्चे दिल से कहती हैं, एक जो बेड़ी पड़ी हुई थी ट्रिपल तलाक की वो तोड़ दी गई है। तो लोगों को कहना है, कहते रहे, लोग कुछ तो कहेंगे, उनकी आदत है कहने की, कोई बात नहीं। मोदी जी आप मोदी जी की गारंटी, आप बुजुर्ग हैं, कई सारी जो है महिलाएं आई हैं, उनमें आप भी आए हैं, कितना बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उनके द्वारा दी गई योजनाओं का कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना बदलाव आप खुद महसूस करें अपने समाज? नहीं, काफी महसूस कर रहे हैं, आने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। जो बेईमानी थी वो खत्म हो गई है, और जो कुछ हो रहा है सब सही सही खाते में जा रहा है, पैसा मिल रहा है, उठवा मिल रहा है। ये जो हज का इन्होंने नया निकाला है, ये बहुत ज्यादा पसंद आया कि हर औरत आना बिना शौहर बिना भाई के जा नहीं सकती थी, किसी के पास वो पोजीशन नहीं थी। आपके उन्होंने जो ये निकाला है कि भाई अकेले आप जा सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ा योजना है और बहुत पसंद आई है। और मोदी जी की हर चीज पसंद है, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं जब से आए हैं सब ईमानदारी का ही काम हो रहा है। आपको लग रहा है मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें? क्योंकि ये सवाल भी उठाया जाता है, ओवैसी हो या दूसरे तरह के नेता हो, उनको एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश किया जाता है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर इतने ही प्रेम करते हैं तो किसी को टिकट क्यों नहीं देते हैं वो अपने चुनाव लड़ने के लिए? ऑफकोर्स क्यों नहीं हम मोदी जी की सपोर्ट करेंगे। मोदी जी हम लोगों की एक्चुअली अगर वो खुद हमसे रीच करना चाहते, वो हर कास्ट के लोगों को मिला के रखना चाहते, तो हम डेफिनेटली उनके साथ हैं। और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा है, तो डेफिनेटली हम क्यों मोदी जी को एंटी मुस्लिम बोलेंगे। डेफिनेटली ही इज ट्राइंग टू रीच एवरी पर्सन, वेदर इट इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। सो वी आर वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क, एंड आई बिलीव दैट इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी गेटिंग मोर एंड मोर फ्रॉम मोदी जी, डेफिनेटली। तो ये जो आप लोगों ने जो है थैंक यू मोदी जी कहा, शुक्रिया मोदी जी कहा है, इस लेटर में असल में क्या कहा गया है, क्या आप लोगों ने बयां करने की कोशिश की है? इट्स अ वोट ऑफ थैंक्स एक्चुअली, हम लोगों का प्यार है मोदी जी के लिए। हम लोग डायरेक्टली तो उनसे मिल नहीं सकते हैं, सो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आए और उन्होंने हम लोगों को बहुत प्यार से उन्होंने भी वेलकम किया। इट वॉज रियली अ ग्रेट एफर्ट। बस हमारा लेटर पहुंच जाएगा, एंड डेफिनेटली मोदी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनसे बहुत सारी बहनें बेटियां प्यार करने वाली है, तो उनको भी बहुत खुशी होगी। आप यहां पर लेकर प्लेकार्ड काफी देर से खड़ी हैं, शुक्रिया मोदी जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या भावना है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर बहुत सारी बातें आती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किस तरीके से शुक्रिया देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे खाला, आप भी आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपके अंदर क्या भावना है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, क्या किस तरीके की भावना है? सब ठीक है, अच्छा है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हाँ हम सहमत हैं। वसीम भाई आप भी आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की भावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? कई लोग सवाल उठाते हैं, उनकी नीयत को लेकर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि जब चुनाव आसपास आता है तो उनका मुस्लिम प्रेम अचानक से जाग जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम समाज की कई सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं? देखो मोदी जी की जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कार्य किए गए हैं, बल्कि मुस्लिम महिलाएं नहीं, जो समाज के सभी वर्ग के लिए जो काम किए गए हैं, जिसको धरातल पर उतारा गया, वो विकास, वो काम चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र पर ये सरकार चल रही है। चूंकि हमारी जो बहनें हैं उनको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं, खासकर मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसा कानून, जो उनकी बेड़ियां, जो उनके पैरों में बहुत बड़ी बेड़ियां थी, उसको समाप्त किया है। आज मुस्लिम बहनों को और सभी बहनों के लिए वो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बहनें, उन्होंने देखा कि पिछले 10 सालों से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक भाई की भूमिका में, एक पिता की भूमिका में, जो हमारे लिए दिन रात बिना रुके बिना थके कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको धन्यवाद कहें,
क्यों ना हम उनको उनके प्रति अपना अपनी खुशी जाहिर करें। तो उन्होंने हमारे ऑफिस में या हमारे लोगों में बहुत बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेटर भी आए। तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो इदरीस भाई हैं, उन्होंने एक तय किया कि एक ही दिन में हम पूरे महाराष्ट्र में जो कलेक्टर हैं उनको शुक्रिया मोदी भाईजान का पत्र देंगे, ताकि वो पत्र फिर बाद में वो पीएमओ कार्यालय में पहुंच जाए। तो आज हम महाराष्ट्र के सभी जिलों में, अभी देखिए मुंबई नगर है और उपनगर में भी इसी तरह से इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं वहां पे अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए गई हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और मुझे लगता है जो मोदी जी के प्रति प्रेम है महिलाओं का, इसी तरह से उजागर होते रहेगा। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप भी यहाँ पर आई हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से धन्यवाद देंगी और उनकी योजनाओं का आप कितना अहमियत मानती हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासतौर पर ज्यादा जो है फायदेमंद? एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट, एक्चुअली डोंट बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम अ कैथलिक हियर, बट इवन वी आर माइनॉरिटीज। बात करें आज माइनॉरिटीज की, तो मोदी सर, मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आया है तब से माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा पुश मिला है। आई एम एन एडवोकेट। आज अगर आप देखा जाए तो ये फील्ड में भी, लीगल फील्ड में, जहाँ पे मोस्टली मेल्स का डोमिनेंस रहता था, आज के फील्ड में ऑल्सो वी कैन सी मेनी फीमेल एडवोकेट्स, नॉट ओनली एडवोकेसी की बट बहुत सारी फील्ड है। आप पायलट देखो, इंजीनियर्स देखो, ऑल ओवर, मतलब उन्होंने जो वुमेन एम्पावरमेंट लाया है इन जनरल, दैट इज वेरी मच कमेंटेबल, क्योंकि इसके पहले उतना वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं था जो आज लाया उन्होंने। एंड येस, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्रिश्चियन कम्युनिटी, आई एम योर टू थैंक मोदी सर, क्योंकि डायरेक्टली तो वी कैन नॉट अप्रोच हिम, सो वी थॉट की वाई नॉट, जो डायरेक्ट लिंक है दैट इज अ कलेक्टर साहब, सो वी केम टू टॉक टू कलेक्टर, एंड ऑन हिज एंड ऑल्सो ही ग्रीटेड अस वेरी वार्मली, ही वेलकम्ड अस ऑल, एंड ही हैज अश्योर्ड अस कि हमारा थैंक्स उनको डेफिनेटली जाएगा, एंड दे विल कीप ऑन हेल्पिंग अस, सपोर्टिंग अस एंड अ कम्युनिटी। महिलाएं जो है आधी आबादी कही जाती है, तो आपको लगता है कि इस बार मोदी जी को 2024 का जो चुनाव है और भी सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा वोकल रहते हैं प्रधानमंत्री? यस यस यस, ऑफकोर्स डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो जब से आए तब से ही, अगर आप देखा जाए 2014-15, सो मेनी जो आबादी, आप बोल रहे डबल आबादी, आज वो आबादी वर्किंग फील्ड में भी उतनी ही चमक रही है जितनी दूसरी मेल कैटेगरी है, तो बट है मोदी सर डेफिनेटली ये साल भी है। देखिए, ये है जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो आज यहां पर अपना धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंचे थे, और हर वर्ग की जो है उम्र की यहां पर औरतें दिख जाएंगी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग और नौजवान जो युवतियां हैं वो यहां पर धन्यवाद देने के लिए, पत्र देने के लिए ओल्ड कलेक्टर ऑफिस पर पहुंची और सभी नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। पटना की विपक्ष की जो सभा हुई थी उसमें लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर काफी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका ये कहना था कि जिस शख्स के पास कोई परिवार नहीं है वो परिवार के बात के बारे में बात करता है, ये बेहद हास्यास्पद है, जिसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा अब आक्रामक हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ की देश की जो जनता है वो उनका परिवार है। मुंबई की महिलाएं क्या सोचती है या मुंबई के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और लालू यादव ने जिस तरीके की निजी टिप्पणी उनके परिवार को लेकर की है उस पर क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि वो परिवार को लेकर, परिवारवाद को लेकर लगातार वो आक्रामक रहते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के काफी ज्यादा निशाने पर भी रहते हैं। लालू यादव बिहार के जो बड़े नेता हैं उन्होंने परिवारवाद को लेकर टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर कि उनके पास परिवार नहीं है, वो परिवार के बारे में क्या जाने, आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कहना चाहिए? मोदी जी हमारा परिवार है और हम उनके परिवार है, तो जो भी टिप्पणी है ना वो कहीं और साइड में रख दीजिए। मोदी जी आप टेंशन ना लीजिए, आपका सारा परिवार है, ठीक है, जितनी महिला यहाँ खड़ी है, इनफैक्ट इंडिया के जितने भी लोग हैं सारा ही आपका परिवार है, आप बेफिक्र रहिए। आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो परिवार को लेकर लगातार निजी टिप्पणियां की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी हमारे भाईजान है, हम उनके परिवार है और वो हमारे परिवार है। परिवार को लेकर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब उनके परिवार है, जितने भी सब खड़े हैं वो सब हम परिवार है, पूरा भारत उनका परिवार है। आप क्या कहना चाहेंगी, जो विपक्ष लगातार उनके परिवार नहीं होने को लेकर विवादित टिप्पणियां करता है, लालू यादव भी एक नई टिप्पणी की है, आप क्या कहना चाहेंगी? तार तार है जिनके आबरू के पैरहन, वो हमसे पारसाई का सबूत मांगते हैं। मोदी जी का परिवार पूरा भारत है, पूरे देश की हर महिला, हर बहन, हर भाई,
हर बच्चा बच्चा उनके साथ है, जो हमारे घर का रहनुमा बनकर, हमारा अपना भाई बनकर, हमारा सरपरस्त बनकर हमारे साथ खड़ा है। उसका परिवार हम नहीं तो और कौन है, हम ही तो हैं उनका परिवार। तो जो कहते हैं उनके, मैं एक ही लाइन में मैंने बता दिया कि परिवारवाद की बातें आप करते रहो, जो परिवार समझता है वो सेवा करता है, और सेवा भावी है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी। आप क्या कहना चाहेंगे परिवार को लेकर, जो लगातार विपक्ष टिप्पणियां करता रहता है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमारे परिवार से, हमारा एक अंग का हिस्सा है परिवार में। हम पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, हर बहन भाई सब। ये कोई कह नहीं, उनसे कभी हम कुछ जुदा नहीं कर सकते। उन्होंने इतना काम किया है जो हम बयां नहीं कर सकते, ये दुनिया जानती है। मोदी जी रात दिन जाग करके और हम लोगों के लिए जो सेवा करते हैं वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम उनके साथ हैं। जो हमें परिवार से अलग करेगा वो खुद अलग हो जाएगा, वो कभी अलग नहीं हो सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा हैं, आपके अंदर की क्या भावना है जब प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणी की जाती है कि उनके पास तो परिवार नहीं है, वो परिवार का मुंह क्या जाने? हम सभी उनके परिवार, यहाँ जितनी मुस्लिम बहनें हैं उनका पूरे, हम सब बहनें, हमारे भाई है, बड़े भाई है, हम सब है उनका परिवार, वो अकेले नहीं, हम सब है उनके लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, युवा हैं, आपके अंदर क्या भावना आती है जब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की जाती है कि उनके पास परिवार नहीं है? ऐसा शख्स जिसका परिवार नहीं है वो क्या परिवार के पास? परिवार है, हम सब उनके परिवार है, हम सब मोदी परिवार। महिलाओं के साथ साथ जो यहाँ पर पुरुष है मौके पर मौजूद, ये सभी कह रहे हैं हम हैं मोदी का परिवार। इस तरीके की भावना आ रही है, क्योंकि जब परिवार की बात आती है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर कहा जाता है कि उनके पास कोई परिवार नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ऐसे में वो परिवार का दर्द क्या जानेंगे। और ऐसा शख्स परिवारवाद के बारे में बात करता है तो बेहद हास्यास्पद होता है। और इसी को लेकर विपक्ष जो लगातार उन पर नीचे टिप्पणी कर रहा है, उस पर बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है। तो वहीं पर अब देश के लोग, देश की जनता भी कह रही है कि हम हैं मोदी का परिवार। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखा हमने कि मुस्लिम खवातीन किस तरह से मोदी जी के लिए बैनर्स लेकर आई हुई थी और क्या क्या वो तारीफें कर रही थी मोदी जी के लिए। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जितने कानून और जितनी सुविधाएं मोदी जी ने मुस्लिम लोगों के लिए की हैं और खास करके खवातीन के लिए, ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है और लोग इस चीज को सराह रहे हैं, ये अच्छी बात है। अक्सर हम अपने कमेंट्स में पढ़ते हैं कि मुस्लिम्स के लिए जितना मर्जी मोदी कुछ कर ले, ये फिर भी दोगले रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन हम ये चेंज और बदलाव खास करके देख रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो बहुत तेजी से लाइक कर रहे हैं योगी जी को भी और मोदी जी को भी, और उनके इन कवानी की बदौलत। अगर वो फ्रंट फुट पे आकर बात नहीं भी करते तो, लेकिन वो खामोश एक साइलेंट वोटर की तरह मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखें कि एक चीज है कि एक दौर ऐसा आप पे होता है कि आप जब से होश संभाली हो, आपने कोई सहूलत, कोई सुविधा, कोई ऐसा कानून ना देखा हो जिसकी लाठी जिसकी वो मिसाल बनी हो, तो जब वो अचानक एक लीडर ऐसा आए कि जो आपकी जिंदगी में इतने बदलाव ले आए कि जिसकी आपको सोचो गुमान में भी आपके ना हो कि ये भी सुविधा, ये सहूलत हमको डेवलपमेंट मिल सकती है, तो फिर वही वो वाह करेंगे मोदी जी की, क्यों नहीं करेंगे। इसलिए भाई आज औरतें जो है वो बाहर निकली हुई है, बैनर उठाए हुए हैं सिर्फ मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए कलेक्टर हाउस के बाहर के, भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये चीजें होती हैं एक सच्चे और मुखलिस लीडर के लिए, कि जो अपनी आवाम के बारे में सोचता है। फिर वो ये नहीं, मजहब का कोई भेदभाव नहीं रखता, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखता, और खास तौर पे जैसे औरतों को कुचला जा रहा था पहले वक्तों में वहां पे, अब वो वहीं पे औरतों को इतनी सहूलतें, इतने कानून औरतों के पास हो चुके हैं, इतनी वो सुविधाएं मिल चुकी हैं औरतों को कि वो खुद मुख्तारी औरतों को दे रहे हैं। तो औरतें भाई आगे को प्रमोट कर रही हैं, वो अप्रिशिएट कर रही है मोदी जी को, भाई ये लीडर वो आया जिसने हमारे हकूक हमको दिए हैं और हमको बताया है कि ये हकूक जिनके बारे में आपको नहीं पता था वो ये है जो आपको मिलने चाहिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो भाई इसको अप्रिशिएट करना चाहिए औरतों, यानी लेडीज कर रही है मोदी जी को। बिल्कुल जी, देखिए बड़ी संख्या में अब देखिए खवातीन का जो सामने है वो देखिए योगी जी को भी जिताने में वो इसका किरदार है, और आप मोदी जी को भी वही साइलेंट वोट ही ये दुआएगा। तो आप देखिए
कि मुस्लिम के लिए इतना कुछ करने के बावजूद सारे मुस्लिम मोदी जी को पसंद नहीं करते, तो भाई आपने जितना उन्होंने मुस्लिम के लिए किया उससे कई गुना तो हिंदुओं के लिए किया है, तो क्या सारे हिंदू मोदी जी को पसंद करते हैं? वो तो अपने राम जी के अगेंस्ट गए हुए हैं, तो वो उनका मंदिर क्यों बन गया, उसके खिलाफ तो उस पर हिंदुओं को क्या कहा जाए? तो यही सारी चीजें, हर एक को हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन देखिए बड़ी संख्या में अब बहुत जल्दी जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नई जनरेशन है, वो मोदी जी को योगी जी को लाइक कर रही है, लेकिन सारे नहीं करेंगे। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ना ही सबको काला रंग पसंद है और ना ही सबको सफेद रंग पसंद है, इसलिए दुनिया में ना तो सारे मोदी को पसंद करेंगे इंडिया के अंदर, और ना ही सारे राहुल को पसंद करेंगे, ना ही केजरीवाल को पसंद करेंगे, ना ही जो है आप देखिए अंबानी जी है बिजनेस में उनका अपना किरदार है, जो दूसरे टाटा वाले हैं उनका अपना किरदार है, तो इसलिए हर कंपनियां अलग अलग काम करती हैं, लेकिन मोदी जी का अपना एक किरदार है। तो मुस्लिम पक्ष अब जितनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनको लाइक कर रहा है, ये अचंभे की बात है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। वरना कांग्रेस को तो मुस्लिम को खुश करने के लिए बहुत से कानून पास करने पड़े, तो मोदी जी ने कोई ऐसा कानून भी नहीं बनाया। हाँ, सुविधाएं जो बनाई है वो मुस्लिम को भी दी है, वो हिंदुओं को भी दी है, सबके लिए सबका विकास लेकर चल रहे। बीजेपी पार्टी पे सबसे पहला जो टैग लगा था वो मुस्लिम विरोधी का ही लगा था, उसमें जो अपोजिशन है उसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया उनको बदनाम करने के लिए, और ये चलता भी आया। और हम देखें कि वहां के लोग मोदी जी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन आज वो टाइम है कि उनके लिए बैनर्स भी उठाकर रखे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं मक्के में जाकर मुसलमान, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।